यूथ फेडरेशन के द्वारा सौंपा गया प्रधानमंत्री को ज्ञापन। जबलपुर जिले में सिख संगठन सिख यूथ फेडरेशन के द्वारा जबलपुर सांसद राकेश सिंह के निवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बधाई प्रेषित की। उन्होंने कहा, 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस मनाने हेतु जो उल्लेखनीय कार्य किया है उसकी सभी सिख समाज द्वारा सराहना की जाती है, और एक ज्ञापन सौंप कर निवेदन भी किया कि इस नाम में कुछ और संशोधन और सुधार किए जाए। जबलपुर जिले से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। सिख संगत रजिस्टर्ड और सिख यूथ एसोसिएशन के तत्वावधान में संपूर्ण सिख समाज द्वारा माननीय राकेश सिंह जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक बधाई संदेश भिजाया गया, जिसमें वीर बाल दिवस मनाने के लिए 26 दिसंबर जो डेट तय की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनको बहुत बहुत बधाई दी गई है। हमें कुछ उसमें कुछ उनके नाम में कुछ आपत्ति थी, जिसके लिए हमने संशोधन के लिए माननीय राकेश सिंह जी से माध्यम से जो पत्र भेजा है, हमें चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करें और सिख समाज के अनुरूप जो उनको अच्छा लगता वो प्रोग्राम डिसाइड कर दें। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं दलवीर सिंह जस्सल। बहुत ही हर्ष है, 26 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने छोटे साहबजादों के वीर बाल दिवस की घोषणा की है, जो हर साल मनाया जाएगा। पिछले 75 साल हो गए देश आज़ाद, किसी ने इस बात में गौर चिंतन नहीं की थी, पर माननीय मोदी साहब ने इस बात को गौर करा और घोषणा करी। हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। और पता, ये जो इनका शहीदी है, मतलब अनेक लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अब ये घोषणा हो गई, धीरे धीरे देश की जनता को पता लगेगा कि साहिबजादे क्या होते हैं और क्या चीज़, और इनने देश के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहीदियाँ दी। नाम बता दीजिए। अजीत सिंह सीटू।